सर कितनी कीमत हो सकती है इसकी? 95,000 में। 95,000 में सर, मतलब 1,00,000 रुपए में 5,000 रुपए ही कम है जी सर। सर सर मतलब पदम का मतलब क्या होता है सर? मतलब उसको बोलते हैं नसीब। नसीब सर। फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर किसान भाइयों। आज की स्पेशल वीडियो पर मैं आपको एक बहुत शानदार लिलड़ी नस्ल की गाय बताने वाला हूं, जो कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हो। इसके बारे में पूरी डिटेल हम बात करेंगे और कितने में खरीदी है, कितना लीटर दूध देती है। और सर ने अभी थोड़े टाइम पहले ही खरीदी और अभी ये गाय से बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो आज की स्पेशल वीडियो पर हम यही इनसे पूरी डिटेल में करेंगे। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। और जो किसान भाई हमारे चैनल पहली बार आए वो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, पास वाली एक घंटी दबाए और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए, कहाँ से हैं आप? रामचंद्र चौधरी जी। अच्छा सर, सर कितनी गाय है आपके पास में? तीन गाय। अच्छा सर, कहाँ से खरीदी आपने ये? पोरबंदर से। अच्छा सर, सर कितना टाइम हुआ है अभी आपको गाय खरीदे हुए? इसको 4 महीने हो गए अभी। 4 महीने हुए सर। गाय का नाम बता सकते हो सर आप? इसका नाम है पद्मा। पद्मा, पद्मा नाम है। जी सर। तो सर कौन सी नस्ल की है ये? लिलड़ी नस्ल की। अच्छा, गिर में लिलड़ी। अच्छा सर, कहाँ से इसको कहाँ से खरीदा आपने? पोरबंदर। पोरबंदर से। अच्छा सर, कितना लीटर दूध देती है सर ये गाय? ये सर अभी तो बाखड़ी हो गई तो कम दे रही है, बाकी ताने में करीब 9 लीटर दूध देती है। 9 लीटर दूध दे। अच्छा सर, ठीक है सर। सर कितनी कीमत हो सकती है इसकी? 95,000 में खरीदी। 95,000 में सर, मतलब 1,00,000 रुपए में 5,000 रुपए ही कम है जी सर। सर और बताइए आपकी गाय जो आपके पास में है, इसका मतलब क्या है? सपूत पर अच्छी है, गरीब है। हाँ, दूध के मामले में कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। और इसके जो है लिलड़ी नस्ल में सपूत बहुत ज्यादा है। हाँ सर। इसके बाद में इसके बोलते हैं लोग के वो अपने भोलेनाथ को। हाँ, प्रिय इसका दूध। हाँ, बहुत अच्छा रहता है। अचल काले है ना। हाँ, इसके हिसाब से बहुत प्रिय दूध है और अच्छी नस्ल है, बहुत अच्छी, मतलब किसान भाइयों को ज्यादा रखनी चाहिए। अच्छा ठीक है सर। अब दूसरी गाय बताइए आपके पास में जो दूसरी भी है ना। एक और राधिका। कितने महीने की सर? 24 महीने की। अच्छा सर, सर ये भी आपने पोरबंदर से खरीदी? खरीदी। सर कितनी कीमत है इसकी? ये 35,000 में खरीदी। अच्छा सर, जी जी सर। सर मतलब कि ट्रांसपोर्ट वगैरह सब जोड़ से खर्चा? ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा? 23,000 दोनों गाय को मिला के। गुजरात से यहाँ तक? अच्छा सर, 23,000 में सर। सर ये कौन सी नस्ल की है? प्योर गिर में सर। अच्छा सर, राधिका ऊपर बोला कर। प्योर गिर में सर ये। अच्छा, यही बहुत सपोर्ट है सर, आज से पीछे से आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, लात मात मारना कूटना। सर कितने टाइम से चला अभी आप गाय लाए हो इतनी? 4 महीने से सर। 4 महीने से जी सर। उसके पहले क्या भैंस रखते थे सर? भैंस रखते थे पहले। अच्छा सर, तो सर गाय पे आने का क्या कारण रहा आपका सर? मेरे का शौक था इसी, और इसके बाद में बीरा खेड़ी में एक दो बार गया था। अच्छा, मेरे मिलने वाले दोस्त थे जी, किया सपोर्ट किया मेरा। हाँ सर, आपके लाना ही पड़ा है गाय, तो मेरे साथ में आया, कष्ट किया, 3 दिन उसने रुके मेरे साथ। अच्छा सर, और उन्होंने इतना कष्ट करके दिलाया मेरे को गाय। जी जी सर, मतलब समझो मेरे गुरु है वो गाय के मामले। अरे सर चलो ठीक है सर। उसके बाद अभी आप ये जो आपकी गाय बहुत अच्छा आपको मुनाफा जो कमा कर दे रही है, इस गाय से आपको काफ़ी सारी मतलब बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है, बहुत सारा लाभ हुआ है सर, इस गाय के बारे में बताइए आप कहाँ से खरीदी? ये सर केशोद से खरीदी। अच्छा सर, 60,000 की खरीद के लाया था वहाँ से जी, और इसका भाड़ा 4,000 रुपये लगा था जी से। हाँ, और जैसे ही आई हाँ उसी दूसरे दिन से मेरे को 10,000 रुपये का मुनाफा उसने कर दिया। अच्छा, 9 तारीख के लाया हाँ, उसको रखी और 11 तारीख को इसने बदनावर लगाई। हाँ, तो 24 लीटर 300 ग्राम दूध दिया। अच्छा टाइम का जी, और वहाँ पर फर्स्ट आई है, वहाँ भी फर्स्ट आई। उसके बाद जिले में जी, जिले में ले गए इसको,
तो जिले में इसने 31 लीटर 570 ग्राम दूध दिया 3 टाइम का मिला के। हाँ सर, वहाँ भी फर्स्ट आएगी, वहाँ से 50,000 का इनाम लेके आएगी। अच्छा सर, और सर अभी फिर एक बार और ये जो गोपाल पुरस्कार योजना का जो आखिरी स्तर है वहाँ पर भी जाने वाली है। हाँ, वहाँ पर जाने वाली, वहाँ पर चांस बोल रहे हैं मतलब कर्मचारी लोग कि इसका फाइनल मतलब होने का है। फर्स्ट इनाम है सर, कितना होगा फर्स्ट इनाम? 2 लाख रुपए का। मतलब कि सर अगर ये अगर जीत गई तो इन सारी गाय की जो कीमत है वो पूरी वसूल कर देगी, यही कर देगी सर। जी सर। सर तो अभी आप मतलब जो इनका दूध निकल रहा है उसको किस तरह बेच रहे हैं या फिर? एक टाइम तो सर डेयरी में बेच रहे हैं अपन, वो पड़ रहा है 34-35 रुपए लीटर पड़ रहा है, बोल नॉर्मल है वो तो। हाँ सर, शुरू स्टार्टिंग मैंने की हिसाब से कोई मतलब रेट नहीं लाऊं, बाकी घी बिक रहा है अपना करीबन मतलब 1200 रुपए 1100 1200 रुपए अपने रिश्तेदारी के हिसाब से जा रहा है, अभी मैंने फिक्स रेट नहीं किया कुछ भी अभी। जी, खास बात तो इसकी ये है कि इसके चारों पाँव में पदम है, पहले सबसे पहले तो। अच्छा सर, चार ही पाँव पदम। ये गाय तो अभी बड़ी बात तो नहीं है, पर जैसे ही मेरे घर पे आके पाँव रखा। हाँ और मेरे को आज इसी लेवल पे कर दिया कि मैं सोच भी सकता हूँ। हाँ चार ही पाँव के अंदर इसके पदम मिलती नहीं है, अपन ढूंढ के भी लाते हैं तो योग नसीब से मिलती है गाय। सर चार ही पाँव में पदम है इसके। ये सर मतलब पदम का मतलब क्या होता है सर? पदम का मतलब उसको बोलते हैं नसीब। नसीब सर, नसीब से मतलब इसके गुण ऐसे है, इस गुण के हिसाब से अपने आदमी को है ना मतलब अच्छी लेवल पे ला सकता है। अच्छा सर। जी सर, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको तो अनमोल चीज है, बेचने के मामले में तो इसका सोच ही नहीं है कि इसको बेच सकते हैं अपन। जी, तो अपने घर पे समझ लो अपने गुजरात से एक सोना लेके आए। नहीं तो बस अगर सर इसको कोई नहीं बेचता, सर आपको कैसे मिल गई फिर? साहब अपने नसीब में थी सर। अच्छा सर, अपने नसीब में थी, और अपने गुरु जी है जो वहाँ पर अपने गुजरात में है चोटिला के पास में, उन्होंने की इतनी कष्ट किया उन्होंने मेरे लिए कि उन्होंने दिला दी, बाकी अपने नसीब में नहीं थी। अच्छा, इसके बाद तो अभी इसके मैं आज बोल दूं तो आज एक मीट बिक जाए। अच्छा, बाकी इतने इसको बेचने की कहां से कहां तक मेरी इच्छा ही नहीं, मेरे समझ लो एक मेरे घर की एक सदस्य है। जी जी सर, घर के सदस्य बराबर है, बहुत प्यारी गाय है मेरी। अच्छा अच्छा सर।